आप देख रहे हैं JNI न्यूज और मैं आपके साथ हूं करुणा पांडे। तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। योगी सरकार ने दी बहराइच वासियों को सौगात, मेडिकल कॉलेज में लगी डायलिसिस की 3 मशीनें। अब खबर विस्तार से। किडनी के रोगों से परेशान बहराइच वासियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। आज जनपद बहराइच में 3 डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने वर्चुअल माध्यम से किया। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में लगी इन 3 मशीनों से हर रोज तकरीबन 10 पीड़ितों को डायलिसिस किया जा सकेगा। DM मोनका रानी ने बताया कि गलत खान पान की वजह से लगातार जिस तरीके से किडनी के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में डायलिसिस किए 3 मशीन उनके लिए वरदान साबित होगी। इन मशीनों से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर सहित नेपाल के भी मरीज भी निशुल्क सिर्फ 1 रुपए के पर्चे पर डायलिसिस करवा सकेंगे। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट, बहराइच ब्यूरो। आज जनपद बहराइच के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं और उन जनपदों में जनपद बहराइच भी है और 3 यूनिट की यहां पे स्थापना की गई है। ये PPP मोड पर संचालित होगा। 1 यूनिट पर औसतन जो है 3 का प्रतिदिन हो पाएगा, तो इसके कारण जो है लगभग 10 लोगों को डायलिसिस करने की सुविधा इस जनपद में प्राप्त होगी। तो जो पहले दूर दराज जाते थे, लखनऊ जाना पड़ता था डायलिसिस कराने के लिए, तो उन्हें अपने जनपद में यह सुविधा प्राप्त होगी। तो इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त करती हूँ कि इतने तराई के क्षेत्र में जो है ये सुविधा दी, जिससे हमारे जनपद वासियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा।